फिर आपका सागर यंत्र है और दक्षिणावर्ती संघ वो सामने रख दीजिए। किसी का चित्र हो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो मानसिक रूप से बिंबात्मक रूप से आपने कैसे बंद कर सोनावती मंत्र तो इसमें लिखा हुआ है ओम रीम रक्त वर्णी आगच्छ कनकावती स्वाहा। चाहे उसको कनकावती कहें या सोनावती कहें वो एक ही प्रयोग है, एक ही मंत्र है। तो गंदा मंत्र है आपका और आपको सिर्फ 11-11 मालाएं जपनी है। तो ये तो सोनावती मंत्र की जपनी है और ये गति प्रिया मंत्र आगे मैंने दिया है। दुख दारिद्र मंत्राय रूप यौवन प्रदाय रति प्रियाय स्वाहा। 11 मालाएं आपको रति प्रिया मंत्र की जपनी है और 11 मालाएं आपको सोनावती मंत्र की जपनी है। सोनावती ध्यान और गंदा यंत्र और ये सब जो कार्य है ये आपको आध्यात्मिक को संपन्न कराऊंगा। ये जो आपको बिल पत्र पर या भोज पत्र पर जो सोनावती यंत्र अंकन कराना है ये रात्रि को अंकन होगा, होली की रात को अंकन होता है, आज की रात को अंकन होगा, सुबह इसका पूजन होगा, सुबह इसका प्रयोग होगा। तो यंत्र तो रात को अंकन होगा, मंत्र जाप आज दिन को हो जाएगा दोनों का 11-11 माला मंत्र का। आप और कुछ पूछना हो तो आप तिथि 25/3/86 गुरु जी का रात्रि प्रवचन, तिथि 25/3/86 गुरु जी का रात्रि प्रवचन शुरू हो रहा है। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास द्रव्य है, वित्त है, यस्यास्ति वित्तम स मरह कुलीन, वह बहुत ही समझदार है, स पंडित स गुणवान स गुणज्ञ स एवं वक्ता और सत्य दर्शनीय, और उसके लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए सर्वे गुणा कांचन माफ हुए। जो भी गुण है वह मनुष्य में नहीं है, पैसे में आज के युग में उसके द्रव्य से संबंधित है, समझेगी वे। और आज में आपको कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण मंत्र और विधियां समझाऊंगा जो कि आपके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। सुबह आप में से कुछ साधकों ने विचार रखा था कि हमें शमशान साधना संपन्न करवाई जाए, और मेरी राय में आप सभी लोग शमशान साधना के योग्य हैं। क्योंकि यह मुंह जो है ये जिसको जिम्मेवारी होती है वो इस बात की चिंता तो रखता ही है कि कहीं किसी को तकलीफ नहीं हो जाए, कहीं किसी को अड़चन नहीं हो जाए। शमशान साधना जीवों की दुर्लंघ्य साधना है। दुर्लंघ्य साधना का तात्पर्य यह है कि युग के परिवर्तन के साथ मंत्रों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यदि युग के साथ मंत्र नहीं बदले
युग के साथ मनुष्य नहीं बदले, युग के साथ चिंतन नहीं बदले, तो वह सब बासी और पुराना हो जाता है। ये साधर साधना जो शिविर है, यह कई दृष्टियों से आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण ऋषि साधना और कर्म प्रशासनिक साधना को संपन्न करने की ओर अग्रसर हुए हैं। लौकिक दृष्टि से आज होली है और आज रात्रि को होली का दहन करेंगे, शास्त्रोक्त दृष्टि से, तांत्रोक्त दृष्टि से आज होली नहीं है, तांत्रोक्त दृष्टि से कल रात्रि को होली है। तांत्रोक्त और शास्त्रोक्त में अंतर यह है कि शास्त्र में होली का दहन उस क्षण को माना है जब पूर्णमासी का प्रदेश सुलोचना पद्धति से संपन्न हो, अमावस्या और पूर्णमासी 3 रूपों में चतुर्दशी से संबंध स्थापित करती है और प्रतिपदा से संबंध स्थापित करती है। वह 1 नए महीने का प्रारंभ प्रतिपदा और उस महीने का अंतिम चतुर्दशी, इन दोनों का एक समन्वय रूप है। उन दोनों के समन्वय रूप में भी उसका बिल्कुल मध्य बिंदु पर ही होली का दहन होना चाहिए, जब वो चतुर्दशी समाप्त हो रही हो और प्रतिपदा का प्रारंभ होने लगा हो। आखिर कोई ऐसी स्टेज अमावस्या में आती ही होगी। ऐसे क्षण को तांत्रिक लोग और जो तंत्र साधना में निपुण होना चाहते हैं, जो शास्त्रीय साधना में निपुण होना चाहते हैं, जो कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, जो कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोग उस क्षण का इंतजार करते हैं जो क्षण सुलोचना पद्धति से सही और प्रामाणिक हो। इस दृष्टि से कल का दिन और कल की रात्रि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पंचांग में अगर आप देखें तो पंचांग में तो मेरे सारे पंचांग में कुछ और है, बनारस के पंचांग में कुछ और है, दिल्ली से प्रकाशित पंचांग में कुछ और है, विश्वविद्यालय पंचांग में कुछ और है, क्योंकि उनकी जो गणित है वह गणित पूर्वापेक्षा है, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है। उन पंचांग में तो जब वो लिखते हैं कि आज बृहस्पति इतनी राशि इतने अंश पर गतिशील है, और यदि आपके पास बहुत बड़ी दूरबीन हो, वेधशाला हो, और वेधशाला से यदि आप उस पॉइंट पर दूरबीन लगा करके देखें तो बृहस्पति आपको दिखाई दे रही नहीं। आपके पंचांग का तात्पर्य तो केवल इतना है कि पूरे ब्रह्मांड को कागज के टुकड़े पर आपको नक्शा बना करके दिया है कि इस नक्शे में इस समय इस जगह बृहस्पति, इस जगह शुक्र, इस जगह मंगल। पंचांग अपने आप में कोई अजूबा नहीं है, मगर यदि दूरबीन से उससे कंफर्म करना चाहे तो पंचांग से वह एक रास्ता एक रूपता नहीं बन पाती, और नहीं बन पाने का कारण यह है कि उनके पास ऐसी वेधशाला है, ऐसी गणित कक्ष और इस प्रकार की स्थितियां है नहीं जिससे कि वह उसको कंफर्म कर सके। उनके तो कई पीढ़ियों से जो गणित चली आ रही है उसी गणित को जोड़ते जोड़ते वे आगे बढ़ते जाते हैं, और कई बार तो 5, 6, 7 डिग्री का अंतर आ जाता है। इसलिए पंचांगों में अवश्य आज पूर्णमासी और होलिका दहन का पर्व लिखा है, कुछ पंचांगों में कल का होलिका दहन पर्व लिखा है, पर सही अर्थों में होली दहन का कल रात्रि को है, और वह भी 3 क्षण है उसके, तो 3 क्षण आपको लिखा देता हूं जो कि महत्वपूर्ण है इस वर्ष के। एक है 9:35 से लगाकर के 9:38 तक 3 मिनट का क्षण, दूसरा है रात्रि को 12:09 से 12:17 और तीसरा है रात्रि को 3:11 से 3:19 तक। शास्त्रों में भी और हमारे ज्योतिष में भी, तंत्र में भी और मंत्र में भी क्षण का विशेष महत्व है। यदि सही समय पर सही प्रकार से कार्य संपन्न हो तो अवश्य ही उसका लाभ मिलता ही है।
और इस साधना में मैंने इस साधना शिविर में मैंने तीन महत्वपूर्ण शिविर के चिंतन रखे थे, जिसमें एक कर्ण पिशाचिनी साधना थी, दूसरी ऋषि साधना थी और तीसरी सोनावती साधना या कनकप्रिया साधना या कनकावती साधना थी। कनकावती साधना का भी तात्पर्य उन युक्तियों से, उन तरीकों से, उन मंत्रों से जिससे कि आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सके, आजीविका से संबंधित लाभ मिल सके। और आजीविका से संबंधित लाभ मिलने में तीन बिंदु हमारे सामने मुख्य हैं। तीन तरीकों से धन प्राप्त हो सकता है। पहला, देव प्रसाद, देवताओं के द्वारा। देवताओं से मेरा मतलब है कि यदि आपने किसी भूत को सिद्ध कर रखा हो, किसी तीर्थ को सिद्ध कर रखा हो, किसी महाकाली को सिद्ध कर रखा हो, लक्ष्मी को सिद्ध कर रखा हो, इस प्रकार की किसी देवी देवताओं की युक्तियों से उनके द्वारा प्रदत्त, जैसे तारा साधना के द्वारा। दूसरा, आकस्मिक धन, लॉटरी से, लूडो से, जुआ खेल करके, सट्टा खेल करके, घुड़दौड़ खेल करके, ऐसी कोई भी युक्ति जिसके माध्यम से अनएक्सपेक्टेड हमें जहां उम्मीद नहीं हुई वहां से धन प्राप्त हो जाए, भूमि से धन प्राप्त हो जाए, लॉटरी से धन प्राप्त हो जाए, कोई आपको दे दे, कोई आपके नाम निश्चित करके मर जाए, ऐसा कुछ भी युक्तियों से। और तीसरा, स्व प्रयत्न, अपने प्रयत्नों से आप व्यापार प्रारंभ करें, उसमें अतुलनीय धन लाभ प्राप्त होने लग जाए, छोटा बिजनेस हो और उसमें प्रॉफिट जाना होने लग जाए, तो तीनों तरीकों से ही धन प्राप्त हो सकता है, चौथा कोई तरीका है ही नहीं। और मैं उन तीनों तरीकों से संबंधित एक एक मंत्र और विधि आपको लिखवा रहा हूं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यह गोपनीय और महत्वपूर्ण विधि मैंने प्राप्त की थी त्रिजिता अघोरी से। वास्तव में मैं इन तीनों विधियों के लिए उसका ऋणी हूं, यद्यपि समय के आगे शुरू में मैंने बहुत कुछ सीखा, मगर किस समय आया तो मुझे उनको भी सिखाना पड़ा, इस समय का था। मगर फिर भी ये तीनों विधियां अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं तीनों विधियां आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, आप नोट करते हैं, जो कि आपके लिए, आप उसको कभी भी प्रत्यक्ष करके देखें। पहली है भूत साधना। अब उसमें भी तारा साधना है, देव साधना में, देवी साधना में तारा साधना है और लक्ष्मी साधना है। स्त्रियोचित साधनाओं में तो दो ही साधना है जिनसे जल्दी और शीघ्र धन प्राप्त हो सकता है, तो तारा साधना है और दूसरी महालक्ष्मी साधना है। और देवताओं में कुबेर साधना है जिसके माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है, और लक्ष्मी में कनक क्रिया साधना है जिसके माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। एक तो देव प्रसाद साधना में चार तरह की साधनाएं हुई, पुरुष साधना कमी है, गोर साधना है, स्त्री साधना कमी है तो महालक्ष्मी और तारा साधना है, और यक्ष साधना कमी है तो कनक क्रिया साधना है, धमदा साधना है। और उत्तरी योनि साधनाओं में भूत साधना है, ये सारी देव प्रसाद साधना है, उनको देव कहते हैं, जो मनुष्यों से इतर प्राणी के लोग हैं वे सब देव हैं। यद्यपि तारा साधना आपने की होगी, महालक्ष्मी साधना भी की है और कुबेर साधना में भी आपने भाग लिया है, इन तीनों साधनाओं का समन्वित स्वरूप भी है तांत्रिक प्रकार है, जहां तारा और लक्ष्मी के संबंधित मंत्र का संयोजन करके और कुबेर साधना का उसमें संपुट दिया जाता है, ऐसी साधना को त्रिगुणात्मक साधना कहा जाता है, शीघ्र सिद्धि प्रद साधना कहा जाता है। इस साधना को मैं नवरात्रि से संबंधित साधना है, क्योंकि तारा साधना है और नवरात्रि में इस साधना को संपन्न करवाएंगे। इसमें आपके लिए
यक्ष साधना में कंकावती साधना है, जिसका मैं केवल साधर प्रयोग बता रहा हूँ, उसके कई प्रयोग हैं, मगर मैं आपको वे प्रयोग बता रहा हूँ जिसको आप कुछ ही दिनों में उसको आप अनुभव करने कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं उनमें से दो साधनाएं आपको बता रहा हूँ, बिंदा साधना या जिसको कंकावती साधना कहें, एक ही बात है, और दूसरा भूत साधना, जिसका कि आप कल उसका उपयोग कर सके, इसलिए आज आपको लिखवा रहा हूं। बिंदा साधना में यह होली के दिन की साधना है और तीन दिन की साधना है सिर्फ, जो होली के दिन से प्रारंभ होती है, कल से प्रारंभ होती है, यह समझ लीजिए। इसमें छाया पुरुष के क्षण से प्रारंभ करें, छाया पुरुष क्षण कहलाता है जब व्यक्ति खुद खड़ा हो और उसकी छाया उसमें ही समाप्त हो जाए, तब छाया क्षण कहलाता है। यदि आप किसी समय 10 बजे खड़े हो तो आपकी छाया 5 फीट लंबी छाया पड़ेगी, शाम को भी 4 बजे खड़े हो तो आपकी परछाई पड़ेगी, मगर एक समय दिन में ऐसा भी आता है जब आपकी परछाई होती ही नहीं। और कहते हैं कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों की या उच्च कोटि के जो देवता होते हैं उनकी छाया होती नहीं, मनुष्य जो पैदा हुआ है उसकी तो परछाई अवश्य होती ही है। और जिस क्षण आपकी परछाई आप पर लागू नहीं हो वह देव क्षण मनुष्य के लिए कहलाता है, और 24 घंटे में एक बार ऐसा क्षण जरूर आता है। और वह क्षण है कल 12:37 से 12:51 तक, जिस समय यदि आप धूप में खड़े भी हो तब आपकी छाया या परछाया आपको नहीं दिखाई देगी। यह साधना तो छाया पुरुष क्षण से प्रारंभ होनी चाहिए, और जो मैंने आपको रात्रि क्षण बताई है उस क्षण में समाप्त होनी चाहिए, चाहे वो तीन क्षण बताए रात्रि को, उनमें से किसी एक क्षण में उसका विसर्जन होना चाहिए। इसमें या तो कनकावती को सिद्ध किया जाता है या भूत सिद्ध किया जाता है। मैं दोनों को मंत्र बता दू, मंत्र तो दोनों को बता देता हूं, मगर फिर मैं भूत साधने पर थोड़ा जोर ज्यादा दूंगा। कनकावती साधना भी सही अर्थों में शमशान साधना है, और भूत साधना भी सही अर्थों में शमशान साधना है। और शमशान साधना का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति पूर्णतः निवृत्तिमान बनकर के, किसी प्रकार का राग द्वेष उसमें नहीं हो, और ऐसा बनकर के जब साधना संपन्न की जाती है तब उसको शमशान साधना कहा जाता है। उस क्षण में व्यक्ति शमशान में जाकर के बैठे और मंत्र जाप प्रारंभ करे, इसमें अकीक माला से मंत्र जाप किया जाता है। यह मंत्र है, मैं कंकावती और बिंदा योग का मंत्र बता रहा हूं। महाघोर रूप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा खीलती आवे, संग में रहे
तारे की करे मेरो कहियो जो न करे तो मैनंद पीर की दुआई तो मैनंद पीर की दुआई यह साबर साधना का कनकावती का साबर प्रयोग बता रहा हूं। कनकावती का शास्त्रीय प्रयोग भी है, कनकावती का तांत्रिक प्रयोग भी है, मगर मैंने आपके सामने जो मंत्र दिया है वह धंधा या कनकावती या सोनावती का साबर प्रयोग है। और इस साबर प्रयोग को कैसे सिद्ध करते हैं वह मैं आपको बता देता हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें छाया क्षण से प्रारंभ करें, यानी कल 12:37 से प्रारंभ करें। और 5 माला मंत्र जाप करें। इस साधना में वीरासन में बैठा जाता है, वीरासन में बैठ कर तेजी साधना करनी चाहिए। इस तरह वीरासन में एक पांव खड़ा रहता है, नहीं ना भाई बाया पैर खड़ा रहे, दाहिना पैर घुटने टिका रहे, कैसे? इसमें बाया पैर टिका कर सी जमीन पर और दाहिने पैर से उस प्रकार से बैठ करते हैं जैसे हनुमान जी बैठते हैं वीरासन में। जिन्ना पैर ऊपर है ये घुटनाएं जो एड़ी है वह गुदा से स्पर्श करती रहे, उस प्रकार से बैठे। मारा थी हम 3 माला इसी प्रकार से मंत्र जाप करें, 5 माला इसी प्रकार से मंत्र जाप करें। क्या तुम कैसे बैठे हो ऐसे, क्या हुआ? तो तुम्हारे देश में रखे हो गए भैया, ये घुटने तो बंद करने लगे हुए, तो हमें तो बहुत चिंता है चीन की पाकिस्तान दोनों की। अब इस प्रयोग की कुछ महत्वपूर्ण गुत्थियां हैं वो समझा देता हूं, वह कैसे करनी चाहिए। इसमें शमशान में साधना होती है साबर प्रयोग में, और कल मैं आपको शमशान ये दर्शन कराऊंगा। जाएंगे तो करेंगे, मगर इसमें 2 बातें होती है, पहले शमशान जागरण होता है और उसके बाद में ये मंत्र जाप होता है, ये दोनों बातें। ले जाने थे 11:30 बजे जाएंगे तो ये होगा क्यों? इसमें कोई मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मुझे निश्चित रूप से आप शायद विश्वास नहीं करें कि मुझे बहुत याद है, आज से मनोज जी को भी ध्यान होगा, आज से 1.5-2 साल पहले मैंने जब शिविर प्रारंभ किए तब मैंने उन लोगों को देखा है, बहुत ही काय बुजदिल लोग थे। आप में से होंगे, काय बुजदिल का मतलब है कि उनको कुछ ज्ञान नहीं था साधना क्या होती है, और आज कॉन्फिडेंस है आप लोगों में, कॉन्फिडेंस था ही, धीरे धीरे कम से कम लोग तैयार होने लगे साधना के क्षेत्र में कि कुछ भी हो जाए हम कर देंगे। वो तो कहते हैं कुछ शमशान ना, आप शमशान छोड़ो, अपने अपने शमशान से क्या करेंगे? आप सीधा साधा कोई मंत्र नहीं होता क्या? अगर सीधा साधा तो खाना भी नहीं खा सकते, मगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और आज उनको वो ये उनके मन में है कि बस क्या करें। तो वास्तव में यह विद्या जिंदा रह सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
अब रह सके। मैंने बराबर मन में पचोड़ता रहता था कि ये विद्या शायद जिंदा रह सके। मैं कल मैं शमशान साधना आपको करवाऊंगा और शमशान की रात ही ले आऊंगा और लाकर के प्रयोग को संपन्न करूंगा, क्योंकि मुझे प्रयोग कराने पड़ेंगे। मगर यह प्रयोग ऐसा करूंगा कि आपको अनायास धन प्राप्त हो ही, ये गारंटी। मैं सब उस लेवल पर लाऊंगा, ऐसा करूंगा। और यदि आप में दमखम हो गया तो मैं आपको शमशान में भी ले जाऊंगा। और दमखम है क्योंकि क्या होगा, क्या शमशान में, शमशान में तो कुछ ऐसा चिंता वाली बात नहीं। यहां तो फिर भी चिंता है, यहाँ पर तो कुछ भी आग लग सकती है, लकड़े गिर सकते हैं, सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक से सर्किट हो सकती है और कोई चक्कू बांध सकता है। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है, वही बैठ कर वहां पर तो कोई है ही नहीं, खतरा ही नहीं है। संसार में क्या बिगड़ सकता है, जब बुरी आप साधन में कोई खतरा नहीं। संसार में इस साधना को, इस साधना की मूल गुत्थों से आगे बहुत मैं समझा देता हूँ। उसमें आसन या तो संसार में मुर्दे के ऊपर बैठे, मरा हुआ मुर्दा हो और चाहे वो कोई भी जाति का हो, उसमें कोई बात नहीं है। ये पुरुष हो और उस पुरुष के सीने पर बैठे और सीने पर बैठ करके उस छाया क्षण में उसके सीने पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करे खुद का, और उसका मुंह, मुर्दे का मुंह उत्तर की तरफ हो, तो हमारे सामने होगा मुंह उसका उत्तर की तरफ हो। और उसके बाद में इस माला, इस मंत्र से, जो मंत्र बताया है, इस मंत्र से उसके मुंह में आहुति दी जाती है घृत की और लौंग की, घृत लौंग में मिला करके, और ऐसा होने पर निश्चय ही यह धंधा लक्ष्मी सिद्ध होती ही है। और केवल पांच माला मंत्र जाप की है, रात्रि को उसका आयोजन होता है होली के क्षण में, यद्यपि तांत्रिक प्रयोग है, खासतौर से अघोर प्रयोग है, यह प्रयोग अघोर है और जिंदगी की सबसे अच्छी साधना में अघोर साधना है। अघोर साधना जितनी है मेरी मस्ती की है, प्रेमभोग की साधना है, मौज मस्ती की साधना है, जीवन में उल्लास उमंग की साधना है। इसलिए होली के दिनों में आप जितने भी आपको देखेंगे गांवों में या शहरों में, तो आपको बिल्कुल वो लूट की तरह लूट दिखाई देंगे, राह पीले हरे आसमानी फटे हुए कपड़े पहने हुए, ये सारा एक परंपरा है हमारे जीवन की। यह साधना है और यदि व्यक्ति चाहे तो शमशान से इतर स्थानों पर भी ये साधना संपन्न कर सकता है। यदि वहां मुर्दा नहीं मिले तो मुर्दा बना करके साधना संपन्न की जाती है। जब मैं पहली बार, मुझे याद आ रहा है इस साधना का, जब मैं पहली बार, और ये है जबलपुर के आसपास भेड़ाघाट से आगे की घटना है, मैंने जो 9 महीने बिताए थे वहीं बिताए थे, वहां से करीब 70 किलोमीटर दूर शमशान है। और वहां पर मुझे अगोरी और नाथ उसका नाम था, और बहुत ही दुर्दर्श व्यक्ति थे, पहलवान उनका शरीर लंबा चौड़ा गठीला शरीर, कहीं थुलते शरीर नहीं था, और इतना ताकतवान उनका शरीर था कि बहुत तेजी से वो दौड़ के आते और पेड़ को टक्कर मारते पेड़ को नीचे गिरा देते, इतना उनके शरीर में बल था। और वो उनकी आदत खराब थी, वो चलते चलते शिष्य के ऊपर दौड़ लगाते थे, फिर 5-10 कदम 15 कदम गए और फिर क्या हाल है, अगर उसको बेचारे तो नीचे गिरता नहीं जाए, तो आदत पूरी हुई थी। तो मैं 20 कदम दूर ऊंची चला चला के चलता हूँ, तो ये अघोर नाथ है तो मेरी होगी तब होगी, ये अभी मुझे तैयार कर देगा। तो उसने एक बार तो मुझे परिचय किसी ने करवाया था, तो उस समय मैं थोड़ा दुबला पतला भी था, शरीर मेरा इतना शुरू का शरीर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सीखेगा, सीख लेंगे, अब आप मुझे सिखाएंगे तो सीख लेंगे, उनका शमशान, उनका शमशान जरूर चलेंगे, मुर्दा के ऊपर बैठेंगे, उनके मुर्दे के ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो तो बैठ जाएगा, उनके बैठ जाएंगे, तो फिर चलो मुझसे चलो, मेरी सेवा में लंगोट दोगेगा, मेरी लंगोट देंगे आपकी, अच्छा मालिश वालिश करेगा, मैं सब कुछ करेंगे, आप चलो तो सुन मेरे साथ तो चलो। और मेरे मन में उनके प्रति कोई आक्रोश नहीं था, मगर भय जरूर था, क्योंकि मैंने शुरू से उसमें था कि अगर तो
उसके कभी जगह मांस तोड़ के खा जाते हैं और फिर खा भी लेते हैं, उनका कोई पता पता होता नहीं। मगर इतना दुराचारी भी नहीं होते, इतने गंदे होते नहीं है, जितने उनके बारे में अफवाहें फैली हुई है उतनी है नहीं। जब आप उसमें रहे तो कुछ आनंद के क्षण आए, तो वो मुझे उनका मेरी झोली उठा रहे, झोली उठा रही, बेड़ा घाट में स्नान नाम किया, मोगदा में फिर चले, तो फिर मूल दो में चले तब तक तो वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने कहा कि तेज चलो, उनका चलो तेज चलते हैं, बहुत बहुत स्पीड में चलने लगा, मैं भी थोड़ा स्पीड में चले। फिर उन्होंने दो ढाई किलोमीटर या तीन किलोमीटर गए होंगे पीछे धाम से दौड़ मारा, तो मैं तो नीचे गिर गए, सब लोग मुझे क्या मालूम था पीछे से माँ पुरुष दौड़ मारेंगे। तो कुछ नहीं कर सकता तुम, क्या कुछ नहीं कर सकता तुम, मरा हुआ है तुम कुछ कर ही नहीं सकता, ना उनके लाऊ जी के दे उनको, ये तो कोई परीक्षा नहीं। मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा कि आपने जो कुछ मेरे को कृपावृष्टि की ये तो मेरा सौभाग्य है, मगर ऐसे कृपावृष्टि मैं भी आपको करूँगा अचानक तो आप भी गिर जाएंगे, ये कृपावृष्टि क्या है, आप मुझे पहले करें फिर लगाए फिर मैं गिर जाऊँ तो कोई बात है। वो बिल्कुल मेरा गला पीछे से पकड़ करके उसने कहा चला जाए, मालूम पड़ गया आप मुझे सिखा नहीं सकते, इसमें तो कोई डर है नहीं, क्योंकि सिखाने के लिए दमखम चाहिए, ताकत चाहिए, आप तो कुछ है भी नहीं, तो आदमी तुम मेरे साथ चल। फिर उन्होंने मेरे को जोश खाने के लिए वो वहां से उनका वो तांत्रिकों का एक जगह है वहां करीब 30-35 किलोमीटर की ऐसी जगह है जहाँ आम आदमी जाते हैं, जंगल सा है और मध्य प्रदेश के जंगल आदिवासियों के जंगल है ये सब आदिवासी। अगर आपको ओरिजिनल आदिवासी देखने हो तो ये सारा मध्य प्रदेश का जितना एरिया है बस्तर साइड का और मध्य बिल्कुल आदिवासी है। ये बात तो करीब 80 साल पहले की है। वहां से